हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आप जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था जिसमें सारे नंबर्स को कैसे डिफाइन किया गया वो बता दिया था। अब उसी नंबर सिस्टम में हम लोग का है नेचुरल नंबर पर डिपेंड जो है आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका टाइप है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम ज्ञात करना, अर्थात क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, जिसमें आपके पास है अगर हमारे पास n पदों की, n पदों का मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक n, पता नहीं है n हमारा, या 100, 10, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं, ये पदों की संख्या जो है दी गई है आपके पास कितने 10 पद 20 पद 100 150 1000 2000 जितने भी पद दिए गए हैं, इन सब का हमें क्या निकालना है सम। निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो n पदों की संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला n बाई टू, n क्या है हमारे पास जितने नंबर आप पद दिए होंगे, 50 पद 100 पद जो भी दिया होगा, ब्रैकेट में प्रथम पद धन अंतिम पद, इसी का शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग ज्ञात करें सम ऑफ एसन टर्म्स इक्वल टू n बाई टू विद इन ब्रैकेट a प्लस l, जहां पर आपके पास a इक्वल टू फर्स्ट टर्म का वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड l इक्वल टू आपके पास है वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। और इसी में अगर मान लीजिए हमारे पास सम दे दिया गया है n nth टर्म के जो है nth कोई एक सीरीज है जिसमें n टर्म्स हैं, और उस n टर्म में ये निकाला गया कि n टर्म कितना है, जैसे कि 50, 100 ये बात ना कही गई हो, उनका सम अप दिया गया हो, फर्स्ट टर्म दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, तो कैसे हम लोग n निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि किसी भी सीरीज में कि पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा आपके पास फॉर्मूला होता है, तो पदों की संख्या अगर मान लीजिए हमारे पास n है, तो इस n की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सार्वंतर, कल मैंने जो है आपको सार्वंतर बताया था जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बता रहे थे कि आप जो भी सीरीज दी गई है उसके जस्ट दूसरे टर्म से पहले वाले टर्म को घटा दीजिए तो आपका सार्वंतर आता है, सार्वंतर प्लस वन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, आज इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग फर्स्ट जो फॉर्मूला है n पदों का योग ज्ञात करने के लिए तो निकालेंगे, आइए सीखते हैं कैसे हम लोग इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे, कैसे इनको क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे और अपने आंसर्स को पाएंगे। सपोज दैट हमारे पास दिया गया है, एक सीरीज दी गई है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 50 टर्म्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लास्ट के पास दे दिया 50 पदों का, तो या फिर लिखा हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हो आपके पास, तो हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला देखिए, आप एक से शुरू करेंगे 50 तक है, तो इसके मतलब कितने बीच में गिनतियाँ होंगी, 50 गिनती होंगी, तो 50 गिनती मतलब कितने टर्म हमारे पास हैं, 50 टर्म हैं, तो अब ये 50 टर्म यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो गया 50 हो गया, ठीक। n टर्म का मतलब जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो ये हमारे पास 50वां है, तो कितना है, कौन सा टर्म हो गया, ये नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे इसमें 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर पहला पद क्या है हमारे पास 1, और अंतिम पद क्या है हमारे पास 50, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और l इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। बस आइए इसी फॉर्मूले पर रख दें, एस एन इक्वल टू क्या लिखा था हमने n बाई टू विद इन ब्रेकेट a प्लस l, तो n बाई टू मीन्स n की वैल्यू कितनी है 50 बाई टू, a हमारे पास है 1 प्लस l हमारे पास कितना है 50, ये हो जाएगा। अगर इसको निकालेंगे, इसको कैंसिल कर लें, तो 25 इंटू 51, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 का 5 25 पंचे 125 और 127, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसे हमारे पास दिया गया है 1, 2, 3, ये 50 तो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, यहाँ पर 1000 टर्म्स भी हो सकता है आपके पास, 100 टर्म्स भी हो सकता है, 150 टर्म्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 70, 80 जो भी दिया गया हो, जो भी आप इस फॉर्मूले से सभी का सम निकाल सकते हैं। आइए, ये हमारे पास था जहाँ पर ऐसे अगर दिया, मान लीजिए आइए एक और क्वेश्चन कर लें,
यहीं पर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड लिखा है आपके पास क्वेश्चन, हमारे पास लिखा गया है 30 क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपके पास 30 क्रमागत सम संख्या है, तो मैंने कल सिखाया था सम संख्या क्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8 आपके पास 30 क्रमागत संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 60 तक जाएंगी। अब क्यों, क्योंकि 30 तक लेना है, 60 तक अगर पूरा 1, 2, 3 ऐसे गिनते जाएंगे 60 तक, तो कितने टर्म हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ हमें सम लेना है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 30 ऑड टर्म हो जाएंगे और 30 हमारे पास कितने टर्म हो जाएंगे, इवन टर्म हो जाएंगे। क्लियर बात। तो अब इस सीरीज में अगर बात करें तो ए हमारे पास कितना दिया गया है 2, और एल की बात करें तो कितना है 60 है, और एन हमारे पास ये दिया गया, कितने पदों की संख्या ज्ञात करनी है, 30 पदों की, 30 पदों के योग को ज्ञात करना है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30। आइए फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म मतलब ए प्लस लास्ट टर्म एल, ये हुआ। तो यहाँ पर एन मतलब 30 बाई 2, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 2 दिया गया है पहला, और लास्ट हमारे पास कितना है 60, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, यह आएगा 15, 60 प्लस 2 62, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 90 3 93, ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारा हो गया 30 क्रमागत सम संख्याओं का योग। कितनी आसानी से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से और क्वेश्चंस की बात करें, अगर हमारे पास लिखा हो कि माना लिखा है 25 या 25 नहीं भी लिखा है, लिखा है क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, या आगे लिख देगा 25, तो आप ऐसे समझ लीजिए 25 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, या फिर इसी का इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लैंग्वेज चेंज करेगा तो क्या लिखेगा 1, 3, 5, 7, 49, ऐसे भी लिख दिया, अगर आपके जैसे कि 25 लिख भी सकता है ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो ऐसे लिख सकता का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे भी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बात एक ही है दोनों की। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, अब देखिए 25 कैसे, अगर आप देखें तो इसके आगे का जो भी टर्म होगा वो हमारा 50 होगा, 50 क्या है इवन है, तो 50 में आपके 25 जो होंगे 49 25वां तक काउंट होगा, अगर हमको इवन लेना होता तो हम लोग 50 लेते, लेकिन हमें ऑड ही चाहिए, तो 49 तक हमारे 25 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें ए क्या हुआ हमारे पास 1 है, एल क्या हो गया 49 है, और एन क्या हो गया 25 है, अगर ऐसे दिया है तो आप इसके जैसे ये 25 एन दे दिया है तब तो आप इजी से निकाल लेंगे, अगर ऐसे है तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है भाई, 1 से लेकर 50 तक की बात करेंगे तो आपके 1 से लेकर 50 तक में 25 इवन नंबर होते हैं और 25 ऑड नंबर होते हैं, ये 49 लिखा है तो इसके आगे जो 50 आएगा वो आपका इवन नंबर है, इसलिए हम लोग 49 तक भी काउंट करेंगे तो हमारे पास 25 ऑड नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये ऑड नंबर की बात करता तो ऑड हमारा 1 से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू होता 2 से, तब हम लोग कहाँ जाते 50 तक जाते, तो इवन नंबर अगर ये होता, ऑड नंबर है तो 1 से लेकर हम लोग कहाँ तक जाएंगे 49 तक जाएंगे। क्लियर बात कि कैसे हम लोगों ने एन को काउंट किया, अगर एन यहाँ डायरेक्ट लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं आपको, फिर ए और एल जानना है आपको, तब आपके पास पहला टर्म हमारे पास क्या होगा और लास्ट टर्म क्या होगा इस वाले लैंग्वेज में, और इस लैंग्वेज में आपको एन कितना होगा ये जानना जरूरी है। बात क्लियर हो गई होगी, आइए इसका समअप याद कर लें, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फॉर्मूला, आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें बार बार फॉर्मूले को लिखें तब उसकी वैल्यू पुट करें, आपको कभी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा ए प्लस एल।
तो हमारे पास n कितना है 25 बाई 2, a है हमारे पास 1 प्लस l हमारे पास कितना है 49। ये हो गया 25 बाई 2, 49 प्लस 1 50, इसको कट करेंगे 25, ये हो जाएगा 25 इंटू 25, ये आपके पास आएगा 25 × 25 625। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 25 हमें 25 पंचे 125 का 5, 25 दूना 50 5 सॉरी 25 दूना 50 और 12 हो जाएगा 65। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 × 25। तो इस तरह से क्रमागत संख्याएं अगर आपके पास इवन की हो गई, ऑड की हो गई, या आपके पास नेचुरल नंबर का ही दिया गया है, चाहे जितने टर्म दिए गए होंगे, आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम लोग कि मान लीजिए एन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग इस पर और सारे क्वेश्चंस करिएगा। अगर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आपको समझ आता है, किसी भी रेफरेंस बुक से उठा के आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उन क्वेश्चंस को, हम वहाँ पे सोल्यूशन फिर से प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए अब बात करते हैं कि हमें एन कैसे, नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि किसी भी सीरीज, इसी को सीरीज बोलते हैं, श्रेणी। सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी टर्म दिया गया है, जैसे मैंने बोला था 2, 4, 6, 8, ……50 तक, ये हमारी क्या है, एक सीरीज श्रृंखला बन गई है। सीरीज का मतलब क्या होता है, जिनमें आपके पास कोई एक यूनिक रिलेशन हो, वो हमारी सीरीज में हो गई। रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे 4 को 4 − 2 मीन्स अगर इनका डी निकालेंगे आप तो क्या आएगा 2। यहाँ पर सर्वांतर हमारे पास क्या है 2 है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक सीरीज बन गई है। ठीक है, तो यही सीरीज कहलाती है आपकी। तो यहाँ पे हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। सीरीज में कुल पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र अगर बात करें, या श्रृंखला भी अगर लिखा है तो भी बात एक ही है, श्रृंखला में दिए गए पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, अभी मैंने लिखा था, अगर माना वो पदों की संख्या की संख्या जिसको हमने n बोला था, बराबर यहाँ पर लिखा था अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1, ये प्लस 1 बाहर है, अलग से है, इसमें मत ऐड करिएगा यहाँ पर, या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो n इक्वल टू अंतिम पद को हमने लिखा था l माइनस a और सर्वांतर को क्या लिखते हैं d प्लस 1। ए आपका है फर्स्ट टर्म और एल है आपके पास लास्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास फॉर्मूला है, आइए इस पर क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम, आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इधर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सपोज दैट दिया गया 5, 10, 15, ये डॉट डॉट आपके पास दिया गया है 100 तक दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, पहला टर्म ए हो गया, लास्ट टर्म एल हो गया,
डी फाइंड करना है। डी मैंने फाइंड करने के लिए अभी अभी बताया था कि पहले पद दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो क्या आएगा, डी इक्वल टू आपके पास 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा 5। ये हमेशा सारे पदों के बीच का जो सर्वांतर होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम उसको सीरीज कह पाएंगे। तो जैसे दिया है माना 15 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा 5, इट मीन्स क्या आ रहा हमेशा 5। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर डी निकल आया। आइए ए इक्वल टू कितना है 5 और एल इक्वल टू कितना है 100, डी इक्वल टू कितना है अगेन 5। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पदों की संख्या बराबर संख्या जिसको हम लोग एन से डिनोट करते थे, एल एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। ठीक है, तो एल कितना है, वैल्यू रख दीजिए 100 माइनस 5 अपॉन डी हमारे पास कितना है 5 विद इन ब्रैकेट प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 100 माइनस 5 95 बाई 5 प्लस 1, 95 को कट करेंगे आप कितना आएगा 5 एकम 5 5 नवा 45। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसको 19 प्लस 1 इक्वल टू 20 टर्म, इसी पद को टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, ये हमारे पास आ गया 20 टर्म। आइए और क्वेश्चंस कर लें आप। फॉर्मूले को ऐसा ही रहने देते हैं। इसे कोई दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पर हम लोग बात कर लें। दिया गया हो लिखा गया है 20, 22, 24, 26 डॉट डॉट यहाँ लिखा गया है 80 का। ठीक, आइए ये हमारे पास 20 जो है क्या हो जाएगा ए, 80 क्या है एल, पहला और अंतिम पद हो गया। डी फाइंड कर लें, डी इक्वल टू अभी मैंने बताया था दूसरे पद से पहले को घटाएंगे तो आपके पास डी आ जाएगा, तो यहाँ पर डी क्या आ गया 2 आ गया। चेक करना चाहिए देखिए, और 24 माइनस 22 फिर से 2 आ गया। ठीक है, आइए फॉर्मूले पर उठा कर रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, तो n इक्वल टू n क्या है नंबर ऑफ टर्म, l L हमारे पास कितना है 80, लिख देते हैं फॉर्मूला, लिख देते हैं L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। L हमारे पास कितना है 80 माइनस आपके पास A कितना है 20 अपॉन डी हम लोगों ने कितना निकाला 2 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 20, 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना 60 अपॉन 2 प्लस 1, तो 30 प्लस 1 इक्वल टू 31 टर्म या पद आएंगे आपके, कितने पद आएंगे n बराबर 30 पद। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। इस तरह से आपको टर्म्स भी निकलवा सकता है, ये आपके किसी भी मंडे एग्जाम्स के लिए, सॉरी 31 आएगा यहाँ पर n इक्वल टू 31, ये किसी भी मंडे एग्जाम्स के लिए आपके पास आपके पूछा जा सकता है, जिसमें आपको एमसीक्यू दे देगा फिर इस तरह से ऑप्शन कुछ भी बनाकर दे देगा तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। और अब आइए आगे हम लोग बात कर लें, अगर नहीं समझ आया हो तो एक आध और क्वेश्चन करा देते हैं, अगर सपोज कहीं पे किसी को ना क्लियर हो। आप
वीडियो को देखने से पहले जब आप देखने लगिएगा, पहले क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने दो क्वेश्चन करा दिया, आपको क्लियर हो गया कि कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तो आप वीडियो को पहले पॉज करिएगा, फिर खुद से अटेम्प्ट करिएगा, फिर देखिएगा क्या आपने जो अटेम्प्ट किया है वो सही किया है कि नहीं। इस तरह से आपका अपना कॉन्फिडेंस भी मेंटेन होता रहेगा अगर आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। जैसे हमारे पास दिया गया है अगला 28, 30, 32, 34 डॉट डॉट दिया गया है लास्ट तक, बात कर लें 60। ठीक, अब इसमें क्या करना है, में पदों की संख्या ज्ञात करनी, की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके पास सपोज दैट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, सब कुछ तो दिया है। ये हमारे पास क्या हो गया L, सॉरी A, ये हमारे पास क्या हो गया L। D फाइंड करते हैं, D इक्वल टू, मैंने ऐसे ही बोला था क्या, 30 माइनस 28 करेंगे कितना रहा 2, 32 माइनस, फिर से और चेक कर लीजिए, एक ही होता है वो सीरीज में दिया रहेगा, एक ही चेक आप माइनस करके निकाल लेंगे, कोई और दिक्कत नहीं है। अगर सार्वंतर इसका जो है कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। पहले ऐसे भी 32 माइनस 30 करेंगे तो 2 आएगा, मीन्स दैट डी आपके पास क्या गया 2 आ गया। आइए फॉर्मूले पर उठा के रखते हैं, तो पदों की संख्या बराबर L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 हो गया। वैल्यू रखते हैं, L इक्वल टू कितना है 60, A हमारे पास कितना है 28 अपॉन डी कितना है 2, ठीक, प्लस 1, तो 60 माइनस 28 करेंगे ये आपके पास 2, 32/2 प्लस 1, इसको करेंगे आपके पास आएगा 16 + 1 = 17। ठीक, बात क्लियर। इस तरह से आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी और भी क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा, किसी भी बुक से, रेफरेंस बुक आपके पास जो भी होगी। अब आइए आगे हम लोग बात करें क्रमागत संख्याओं में। ये तो था जैसे दे दिया गया हो, अब तक तो था हमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना था, ठीक है। अब अगर हमारे पास योग दे दिया गया हो और संख्या बतानी हो, जैसे दे देगा दो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अब ये आपका टाइप 2 यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग टाइप बदल दें, दूसरा टाइप, टाइप 2। इसमें दिया रहेगा कि जैसे कुछ क्रमागत संख्याओं का योग दिया रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरह से आपके क्रमागत संख्याओं का योग दिया रहेगा, और कुछ भी दिया रहेगा उनसे पूछ लेगा आप पहली क्रमागत संख्या या दूसरी क्रमागत संख्या या सभी क्रमागत संख्याएं निकाल कर दिखाएं। तो यहाँ पर जो हमारा टाइप बनेगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे दिया गया है क्वेश्चन कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो आपसे 3 दिया है तो पहली भी पूछ सकता है, या तीनों संख्याएं पूछ सकता है, या आपका लास्ट संख्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो मध्य संख्या का मान बताइए, संख्या का मान बताइए, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन को सिखा रहेगा। तो हमने कल अभी आपको सिखाया था, नेक्स्ट वीडियो में, कल मीन्स दैट इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था कि कैसे क्रमागत संख्याएं ली जाती हैं। तो यहाँ पे क्रमागत संख्याएं सम विषम नहीं कहा है, आप क्रमागत लेंगे तो माना हमारे पास कोई संख्या क्या है, x है, ठीक। तो क्रमागत मैंने बोला था पहली संख्या हमारे पास x हो गई, तो दूसरी संख्या निकालेंगे क्या कहा था, x प्लस 1, और इसके आगे वाली संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, x प्लस 2। कह रहा है संख्या में 3 क्रमागत संख्याओं का योग बराबर कितना है 24, ये तो हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई। अब इनको सम कर लीजिए, x प्लस
एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, ये कितना दिया है 24। ठीक, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। वन, एक x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, कितने x हो गए 3x, प्लस वन प्लस वन टू, ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 24। तो 3x इक्वल टू, पक्षांतर कर लीजिए, 24 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 21। ठीक, x इक्वल टू हो जाएगा 21 बाई 3, ये हो जाएगा 7। ठीक, ये हमारे पास आएगा। अब x इक्वल टू 7 हो गया, हमसे क्या पूछ रहा है, मध्य वाली संख्या पूछा है। तो आइए यहाँ पे x इक्वल टू 7, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस वन इक्वल टू 8, x प्लस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस टू इक्वल टू 9। इसका मतलब संख्या क्या मिली आपको 7 8 9, ये हमारे पास क्या मिल गई संख्या। इसमें से कौन सी पूछ रहा है, मध्य वाली, तो मध्य वाली आपकी कौन सी हो जाएगी 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से मध्य वाली पूछ सकता है, लास्ट वाली पूछ सकता है, फर्स्ट वाली पूछ सकता है, कोई भी पूछ ले आप इस तरह से निकाल सकते हैं। होप सो बात आपने समझी होगी। आइए इसी पर बेस्ट एक दो और क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है पांच क्रमागत यहां पर है विषम संख्याएं, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमारे पास दिया है 145 है, तो छोटी व बड़ी विषम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, व सबसे बड़ी विषम संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, आइए सॉल्व करें। तो मैंने बताया था कि आप जो भी संख्या मानेंगे, माना हमारे पास संख्या क्या है, माना संख्या हम लोग एक्स, माना एक्स है, ये एक्स क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। जब आपको विषम क्रमागत संख्या की बात पूछेगा तो ये आप संख्या विषम लेंगे, जब सम क्रमागत संख्या की बात पूछेगा तो सम लेंगे, ये आपके पास हो गया। अब बात करें कि क्रमागत संख्या में हमने बात करी थी, एक तो हमारे पास x हो गया, दूसरा क्या है x प्लस टू, जिसे प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिन्हें नहीं देखा होगा क्रमागत संख्याएं कैसे निकालते हैं, वहां पे मैंने क्रमागत संख्या कैसे निकाली जाती है, क्रमागत सम संख्या कैसे निकाली जाती है, क्रमागत विषम संख्या डिफाइन किया है। और x प्लस फोर, x प्लस आपके पास सिक्स, x प्लस एट, आपको कितनी चाहिए, पाँच चाहिए, पाँच क्रमागत संख्या की बात करनी है, एक दो तीन चार पाँच। अब इनका सम क्या दिया है, x, x प्लस टू प्लस x प्लस फोर प्लस x प्लस सिक्स प्लस x प्लस एट इक्वल टू दिया है 145, ये आपके पास दिया गया है। तो एक x यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कुल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, कितने 5x, प्लस आपके पास 2 प्लस 4 6, 6 6 आपके पास 12 और 12 और 8 20 इक्वल टू 145 हो गया। ठीक, तो 5x इक्वल टू इस 20 को इधर लेकर जाइए, 145 माइनस 20 इक्वल टू आपके पास आएगा 125। ठीक है, 145 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा 125, तो आपके पास यहाँ पे बात कर लें 5x इक्वल टू 125, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 बाई 5, तो आपके पास कितना आएगा 25। ठीक, 25 पच्चीस हमें आपके पास ये कट करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया 25। अब ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 25 क्या है, इवन है कि ऑड, ऑड क्यों, क्योंकि हमको लेना क्या है, ऑड नंबर लेना। ठीक, आइए अब कह रहा है आगे और संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या x इक्वल टू 25 हो गया, x इक्वल टू 25, x प्लस टू निकालिए,
तो यहाँ क्या 25 प्लस 2 इक्वल टू 27 हो गया। अगली संख्या निकालेंगे x प्लस 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 4 इक्वल टू 29 हो गया। ठीक, अगर आप ये तो मैं आपको ऐसे पूरा निकाल के दिखा रही हूँ, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक चीज़ निकालिए उसके बाद शॉर्टकट कर दीजिए। तो x प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पर 25 प्लस 6 इक्वल टू 31, एक्स प्लस 8 मतलब 25 प्लस 8 इक्वल टू 33। हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक, तो सबसे छोटी हमारे पास क्या आई, सबसे छोटी हमारे पास x आई, ये 25, ये एक आंसर हुआ हमारे पास, और दूसरा आंसर ये 33। ऐसे आपके पास ऑप्शन में बना के दे देगा 25, 33। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन में बनाकर देगा। देखिए यहाँ पर आप 25 एक निकाल लिए, ठीक है, उसी में प्लस टू तो 25 के बाद आपका अगला और नंबर क्या होगा, 27। 25 के बाद 27, 29, 31, 33, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको ऑप्शन टिक करने के लिए। और याद रखिएगा, यहाँ भी आप अपनी कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट में देखिए क्या करना है आपके पास, कि अगर आपको पांच क्रमागत संख्या की बात कर रहा है तो याद रखिएगा यहाँ पर 5x आएगा, तीन क्रमागत की बात कर रहा है 3x आएगा, चार क्रमागत की बात कर रहा है तो 4x आएगा। ये आपको इतना जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर इवन और ऑड का है तो हमेशा यही 2, 4, 6 यही लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये तो लेंदी, मैं आपको समझाने के लिए इतना लेंदी हो रहा है, आप ये मत घबराइएगा कि एक क्वेश्चन हम इतने टाइम में करेंगे तो बाकी के कैसे करेंगे। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखा रही हूँ। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की बात कर लें, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लें। जैसे अभी लिखा हो यहीं पर, इसी में क्वेश्चन में मेंशन कर लें। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है लिखा है, छह क्रमागत, यहाँ पर लिखा है छह क्रमागत विषम संख्याओं का योग। यहीं पर विषम या सम कुछ भी लिखा हो, दोनों के लिए एक ही जैसा 180 हो, तो आपको पांचवी व छठी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आपको पांचवी वाली और छठी वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या का मान ज्ञात करना है, तो ठीक है कुछ भी होगा उससे क्या लेना देना हमारे पास, जो भी पूछे। तो कितनी है, छह क्रमागत विषम है। ठीक है भाई, तो पहली हमने जो संख्या मानेंगे, माना संख्या हमारे पास x, ये क्या है याद रखिएगा, विषम, ये हमारे पास विषम संख्या है। ठीक, तो x प्लस टू हम थोड़ा जब शॉर्ट में कर रहे हैं, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने कहा 6 संख्या तो कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 6x। ठीक, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, यहाँ पे आपके आ जाएगा क्या 8, 20, 10, 30। देखिए शॉर्ट थोड़ा सा, जो हमने कहा कि शॉर्ट कट आप कर सकते हैं, ये इक्वल टू 180 दिया है आपके पास, कितना दिया है 180, और क्या लीजिए 180, 6x इक्वल टू 180 आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 180 माइनस 30, ये हो जाएगा आपके पास 150। ठीक है, 6x, x इक्वल टू 15/6, ये आपका कटेगा नहीं, यहाँ पर विषम की बजाय सम ले लीजिए तो सही हमारे पास क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है, ये क्वेश्चन में सम संख्या ले लेंगे और तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, आपका पूरा एक पूर्णांक दिया जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं दिया जाएगा।
ये आपके पास हो गया कितना 60 60। ठीक, तो यहाँ पर आप कट करेंगे 6 × 12, नहीं कट रहा है, फिर भी कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, अगर 80 था तो 1 नहीं कट जाता, वो क्वेश्चन सही था, सॉरी 80 सही है, कट तो रहा था 150 × 6, 6 × 12 और यहाँ पर 3 × 6 = 23। आपके पास x इक्वल टू क्या आया 25, x 25 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको x+2, x+4, x+6, x+8 मत करिए, डायरेक्ट इसी के आगे क्या उन सभी सम संख्या आएगा, 25 आएगा, फिर आपके पास 27, 29, 31, 33, आपके पास 35, बस फटाफट लिख डालिए, कुछ नहीं, प्लस टू होना है, 25 × 2 = 27, 2 × 29, 2, आपके पास 31, 2 = 33, 2 = 35, तो ये थोड़ा शॉर्टकट आपका जल्दी हो जाएगा काम। आप अब क्या करना है, पूछा कौन सी है, पांचवी और छठी, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये रही आपकी पांचवी, ये कौन सी है पांचवी संख्या और ये कौन सी है छठवी संख्या, तो इस तरह से 33 और 35 ऑप्शन में इस तरह दिया रहेगा पेयर में बना के। आप ये तो था आपके पास क्रमागत सम संख्याओं का, कुछ सम संख्याओं का योग दिया रहेगा, तो कैसे आप निकालेंगे संख्याओं को, इस तरह से कुछ भी दे सकता है, सम संख्या विषम संख्या, यहाँ पर आपको योग जरूर देगा इस तरह की संख्याओं में, और आपसे डायरेक्ट पहली संख्या पूछ सकता है, बीच की संख्या पूछ सकता है, जैसे इसमें आपका है तो बीच की मध्य की दो संख्याएं अगर पूछ लेता, यहीं पर पांचवी छठवीं ना कह के आपसे पूछ लेता मध्य की दो संख्या, तो आपका क्या हो जाता 29 और 31, इसी में कुछ भी ऑप्शन चेंज कर सकता है, पहली और अंतिम पूछ सकता था, तो पहली आपकी 25 हो जाती, अंतिम आपकी 35 हो जाती, इस तरह से आपका कुछ भी चेंज कर सकता है, सबका मेथड एक ही है, आप कर सकते हैं। अब इस पर और भी आप क्वेश्चंस करिएगा, अगर कहीं पर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड अगले टाइप पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जहाँ भी आपका कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपना फीडबैक भी देते रहिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारी जो पढ़ाने का मेथड है वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टाइप पर मिलेंगे, और अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।